हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टू का इंग्लिश का यूनिट 8 का स्टोरी, जिसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियंस, यानी कि हम इसे हिंदी में कह सकते हैं मुंबई के संगीतकार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक समय की बात है, वहां रहता था एक गधा डोंकी जिसका नाम था गोपू। He had worked for many years in the house of a farmer. तो वो बहुत सालों से काम करता था एक फार्मर के घर में। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane. वो बहुत सारी बोरियां ढोता था, किसकी किसकी? गन्ने की और भुट्टे की। तो अब आगे बढ़ते हैं। From the farm to the factory. कहां से कहां तक? वो खेत से लेके फैक्ट्री तक के ले जाता था सारी बोरियों को। He was now very tired and old. अब वो बहुत ही बूढ़ा और थका हुआ हो चुका था। The farmer said to Gopu. फार्मर ने गोपू से कहा, You are a good donkey. तुम एक अच्छे गधे हो, अच्छे डोंकी हो। Take this sack of corn and go and see the world. तुम ये लो, एक वो देता है एक बोरी जो भुट्टे से भरी हुई होती है। तो वो देखकर बोलता है कि ये लो ये बोरी और जाओ और दुनिया देखो। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाओ। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गोपू हंसा और उसने कहा गुड बाय। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। वो कहाँ जाने लगा? अब वो गया मुंबई की सिटी की तरफ, मुंबई के शहर की तरफ। आई एम गुड एट म्यूजिक, मैं म्यूजिक में अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। अब वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा मुंबई और वहां पे एक म्यूजिशियन बनूंगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। रास्ते में वो एक डॉग से मिला। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डोपू। अब हमें डॉग का भी नाम बता दे रहे हैं। तो डॉग का नाम है डोपू। क्या नाम है? डोपू। तो डोपू ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। अब वो कहता है, जवाब देता है, रिप्लाइड, वो रिप्लाई करता है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई म्यूजिशियन बनने। अब वो एक सवाल भी पूछता है, वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आस्क्ड गोपू। गोपू ने पूछा। यस आई वुड, रिप्लाइड डोपू। डोपू ने क्या जवाब दिया? यस, मैं आना चाहूंगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। और वो दोनों फ्रेंड निकल पड़े कहां? मुंबई के लिए धूल वाली सड़क पर। They saw a ball of fur in the middle of the road. उन्हें रोड के बीच में एक बॉल दिखा जिसके ऊपर बाल लगे हुए थे। Who are you? They asked. उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? I am Furry the cat, said the cat. Cat ने कहा कि मैं हूँ फरी, एक cat. Would you like to come with us to become a musician? Asked Gopu and Dopu together. गोपू और डोपू ने साथ में पूछा कि क्या तुम हमारे साथ मुंबई आना चाहोगे म्यूजिशियन बनने? Oh, I would love to come along, replied फरी। फरी ने कहा कि हाँ, मैं बहुत पसंद करूंगी आना। So off went the three together to become Mumbai musicians. वो तीनों निकल पड़े मुंबई के म्यूजिशियंस बनने। Soon they met Cuckoo the cock. जल्द ही वो मिले कुकू से, जो एक कॉक था। I love music and wish to join your band. मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे इस बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। They all reached a house with a light. वो सारे लोग पहुंचे एक घर में जिस पर लाइट लगी हुई थी। They were tired and hungry. वो भूखे थे और थके हुए थे। They peeped in through the window. उन्होंने खिड़की से झांका। And saw a table with delicious food. और देखा एक टेबल जिस पर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. उन्होंने गाना उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम गाएंगे ताकि अंदर के जो लोग हैं उन्हें पता चले कि हम म्यूजिशियन हैं। They sang और उन्होंने गाया, म्यूजिशियन यानी संगीतकार, उन्हें भी पता चले कि हम संगीतकार हैं और उन्होंने गाया। The people inside thought that ghosts had come to scare them.
तो अंदर के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि भूत आ गए हैं हमें डराने के लिए, है ना। अब आपको तो लग रहा होगा कि उन लोग तो गा रहे थे, है ना, गोपू डोपू परी और कुकू ये सब तो गा रहे थे, पर जब जानवर गाएंगे तो कैसे गाएंगे? अगर वो बहुत सुर में गाने की भी कोशिश करेंगे तो कैसे गाएंगे? गधा जो है वो तो गाएगा ढैचू ढैचू ढैचू, और कुत्ता जो है वो गाएगा भाँ भाँ भाँ, और बिल्ली म्यू म्यू म्यू, और जो कॉक है वो कुकु 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 ऐसे करेगा। तो ऐसे कौन सी आवाज बनेगी? जो सब मिलकर आवाज बनेगी वो तो एकदम डरावनी हो जाएगी ना। तो जो अंदर के लोग थे उनको लगा कि घोस्ट यानी भूत आ गए हैं उनको डराने के लिए। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, वो इतनी तेज दूर भागे जितना वो भाग सकते थे। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड। तो गोपू और डोपू और फरी तीनों अंदर चले गए और उन्होंने खाया खाना, सारा खाना खा लिया। टिल दे कुड ईट नो मोर, इतना खा लिया कि अब वो और थोड़ा भी नहीं खा सकते थे। तो हमने कौन कौन से नए शब्द यानी न्यू वर्ड सीखे? तो पहला है टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ। फिर है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यानी संगीतकार। फिर है संगीतकार, हम कह सकते हैं जो गाना बजाना करता है ना, गाता है या फिर बजाता है, वो सब हम कह सकते हैं। फिर पिब, पिब यानी झांकना, ओके। फिर है डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। और फिर है घोस्ट यानी भूत। और फिर है स्केयर यानी कि डराना, ओके। तो अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।